कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। तो कल रात को हम आए थे यहाँ पर, मोनू भाई की शादी थी और बारात में आए थे, और बिल्कुल गांव का एरिया है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ से अमित भी आ रहा है अभी, तो वापस जा रहे हैं हम शादी से, जहाँ पर बारात आई है वहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन घर पहुँचेंगे उसके बाद, ऑफिस जाऊँगा मैं उसके बाद, देखते हैं। अभी शाम को बारात वापस आएगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और यहाँ पर नुआड़ा भी है शाम को, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको आगे कैसा व्यू है। सुबह 6 बजे का व्यू है, तो यहाँ पर ये नदी चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली हुई है। और ओह माय गॉड, पीछे से आ भी रहे बंदे की नहीं आ रहे। और गाइस, गैंग आ चुकी है हमारी वापस। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ख़राब भी है जगह जगह पे, तो सुबह टाइम से पहुंचना भी है, ऑफिस भी जाना है अभी, तो चलो चलते हैं फिर। तो ये है यहाँ पर प्रोजेक्ट हाउस, ये है सन्नी। हाँ, अबे साले, ये पानी इस समय जो आ रहा है ये बिल्कुल ग्लेशियर से आ रहा है, इतना ठंडा पानी है कि मुंह को लगाओगे तो आपका मुंह जम जाएगा। और अपने छोटे भाई लोग भी आ गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सर। कैसी कैसी रही रात? फिर रात अच्छी रही, सो गए थे हम भी। कितने बजे सोए थे? हम तो सो गए थे मैक्सिमम 2 बजे। अच्छा, चले हमारी भी अच्छी रही यार, हम भी सो ही गए थे टाइम से। बाला उम्मीद तो कुछ सुना दिया था इसने के पास, स्कूटी के पास, यहीं पर अपनी बाइक के लगी हुई है, अपनी बाइक भी यहीं पर लगी है। व्यू कैसे है, लोग जा रहे हैं ऊपर से गांव से काम को, सुबह सुबह अभी 6 बजे हुए हैं। और जय हो, चलते हैं अभी। और निकल चुके हैं हम यहाँ से, देख सकते हैं आप, एकदम तो पहाड़ी रास्ता है इसे। हर बरसात में डरता रहता है थोड़ा थोड़ा। इस पहाड़ का रंग बिल्कुल लाल रंग का है। और अभी हम बहुत गाँव में, लगता है अभी ज्यादा ही सुबह, तो लोग सभी सोए हुए हैं। ग्राम ही रहा प्यारा सा गाँव, पुराने पुराने थम्बे का घर, पुराना थोड़ा इधर थम्बे। तो
तो अभी हम पहुंच गए बोंठू गांव। ठंड इतनी है कि हाथ भी नहीं चल रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पर इकट्ठे हुए सारे ही, थोड़ी देर रुके हैं। कुछ लोगों की बाइकें यहीं पर लगी हुई हैं, कुछ लोग बाइक ऊपर ही ले गए हुए थे, हम जैसे लोग ऊपर ले गए हुए थे, और कुछ अभी रेडी हो रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे फिर। मार्केट अभी तक खुली नहीं है, अभी कहाँ खुलेगी, अभी तो सब सोए होंगे। हाँ वो भी है, हम जल्दी हैं आज ना भाई, बहुत मेहनती है बच्चे। हम ऊपर ऊपर पहाड़ों में धीरे धीरे धूप भी आ रही है, देख सकते हो। अभी हम रुके हैं, कर्ण भाई यही है, कर्ण भाई ने दोनों लगा दी अपनी, देख सकते हो आप पहाड़ों का व्यू। ये धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियाँ, सुबह का व्यू है, अभी हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है, देख इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहीं से कई बार हम पीछे ट्रैक करके ये पहाड़ पूरा क्रॉस करके जाते हैं, काफी मजा आता है यहाँ से। सुबह का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है इस समय, हवा चली है। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर छोटे छोटे गांव में बसे हुए पहाड़ों में, बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन 100-200 भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार भी हो सकती है। जगह बहुत बड़ी है ये, क्योंकि तो सुबह शादी से आने के बाद मैं आ गया था ऑफिस, अभी हूँ मैं अपने ऑफिस में, और ऐसा कुछ व्यू है पीछे पहाड़ों का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, जिसने ब्लॉग नहीं देखा है वो एक बार जाके बिल्कुल देख ले, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।